हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं वन हॉट इनकोडिंग। सो हम लोग अभी तक फीचर इंजीनियरिंग पे काम कर रहे थे, हमने फीचर स्केलिंग किया और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि हाउ टू हैंडल कैटेगोरिकल डेटा। और कैटेगोरिकल डेटा में हमने नॉमिनल कैटेगोरिकल डेटा को हैंडल करना सीखा था, हमने ऑर्डिनल कैटेगोरिकल डेटा को हैंडल करना सीखा था यूजिंग ऑर्डिनल एनकोडिंग। आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ कैन वी हैंडल नॉमिनल कैटेगोरिकल डेटा यूजिंग वन हॉट एनकोडिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो अ क्विक रिविजन, हमें कैटेगोरिकल डेटा को हमेशा न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है वेन एवर यू आर वर्किंग इन अ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट नहीं करते, आपको नंबर्स प्रोवाइड करना पड़ता है। एंड द प्रॉब्लम विद रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स इज कि आपके पास जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं वो जनरली स्ट्रिंग्स के फॉर्म में होते हैं। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डेटा साइंटिस्ट कि आप उन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को, उस डेटा को स्ट्रिंग से नंबर के फॉर्म में लेके आओ। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कैटेगोरिकल डेटा होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नॉमिनल और एक होता है ऑर्डिनल, राइट? सो ऑर्डिनल मतलब आपके डेटा के अंदर एक इंट्रिंसिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, गुड बैड एक्सेलेंट, राइट? ये कैटेगोरिकल डेटा है बट इसमें एक ऑर्डर है। सिमिलरली नॉमिनल क्या होता है, जिसमें कोई इंट्रिंसिक ऑर्डर नहीं होता, मेल फीमेल दोनों बराबर है, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो हमने सीखा था कि ऑर्डिनल, अगर आपके पास डेटा है तो आप ऑर्डिनल एनकोडिंग यूज करते हो, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। और अब हम लोग इस वीडियो में फोकस करेंगे कि अगर हमारे पास नॉमिनल डेटा है तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं यूजिंग अ थिंग कॉल्ड वन हॉट एनकोडिंग, जो हमारे आज के वीडियो का मेन टॉपिक है, ठीक है। सो क्या क्या कवर करेंगे हम लोग? सबसे पहले देखेंगे कि वन हॉट एनकोडिंग एग्जैक्टली होता कैसे है। फिर हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डमी वेरिएबल ट्रैप। उसके बाद हम एक और इंटरेस्टिंग केस हैंडल करेंगे कि अगर हमारे डेटा में, हमारा जो कॉलम है उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है। और फाइनली मैं आपको एक डेटा के ऊपर ये सब कुछ कोड रन करके दिखाऊंगा। सो दैट्स द प्लान फॉर टुडेज वीडियो। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि अगर आपके पास एक ऐसा डेटा है जो नॉमिनल है, जैसे कि यहाँ पे कलर, ठीक है, तो आपको कैसे उसको नंबर्स में इनकोड करना है। सो यहाँ पर इफ यू सी, हमारे पास तीन कलर्स हैं, येलो, ब्लू एंड रेड। ये तीन कलर्स हैं हमारे पास, मतलब हमारे पास तीन कैटेगरीज है, ठीक है। अब एक बात तो क्लियरली दिख रहा है कि कलर जो है वो नॉमिनल कैटेगोरिकल डेटा है, बिकॉज कोई इंट्रिंसिक ऑर्डर नहीं है इन कलर्स में, सभी बराबर है, राइट? तो अब अगर आपको इनको नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो आप ऑर्डिनल इनकोडिंग यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप ऑर्डिनल इनकोडिंग करोगे, येलो को जीरो दोगे, ब्लू को वन दोगे, रेड को टू दोगे, तो आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को लगेगा कि रेड इज मोर इंपॉर्टेंट और रादर क्वांटिटेटिवली स्पीकिंग ज्यादा बड़ा है ब्लू से, और ब्लू ज्यादा बड़ा है येलो से। आप ये नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है कि आप इस तरीके से एनकोडिंग करते हो। सो आप क्या करते हो कि आपके डेटा में जितनी भी कैटेगरीज है, जैसे यहाँ पे तीन कैटेगरीज है, हर कैटेगरी के लिए एक कॉलम बना देते हो। जैसे यहां पर अगर आप फोकस करो कि कलर अंडरस्कोर वाई, ये मेरा पहला कॉलम है येलो कलर के लिए, कलर अंडरस्कोर बी ये मेरा दूसरा कॉलम है ब्लू कलर के लिए, और कलर अंडरस्कोर आर मेरा तीसरा कॉलम है रेड कॉलम के लिए। अब हम पहला डेटा उठाएंगे, जो पहला डेटा है वो है येलो, तो येलो वाले कॉलम में वन आ जाएगा क्योंकि येलो है, और ब्लू वाले में जीरो आ जाएगा, रेड वाले में भी जीरो आ जाएगा। अगर आप इसका बात करो ब्लू थर्ड वाले का, तो येलो जीरो हो जाएगा, ब्लू वन हो जाएगा, रेड फिर से जीरो हो जाएगा। अगर आप रेड का बात करो तो येलो जीरो, ब्लू जीरो, रेड वन। सो बेसिकली आपने क्या किया, आपने काइंड ऑफ स्ट्रिंग को एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। इस वेक्टर का मतलब है येलो, इस वेक्टर का मतलब है ब्लू, और इस वेक्टर का मतलब है रेड। एंड दैट इज हाउ यू डू वन हॉट एनकोडिंग। दिस इज हाउ यू डू वन हॉट एनकोडिंग एंड दैट्स द होल आइडिया। मतलब
अगर आपको कभी भी मशीन लर्निंग में आगे नॉमिनल कैटेगोरिकल डेटा मिलता है, आपको यही करना है एज इट इज, ठीक है। अब आप मेरे से पूछ सकते हो या आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, जैसे मेरे दिमाग में आया था, व्हाट इफ मेरे पास 50 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मेरे पास 50 अलग कैटेगरीज हैं, तो क्या मैं 50 नए कॉलम्स बनाऊंगा? द आंसर इज यस। आपके पास कितनी भी कैटेगरीज हैं, आप उतने कॉलम्स बनाते हो, मतलब ये वेक्टर जो बनेगा उसमें उतने ज्यादा टर्म्स ऐड होते जाएंगे, एंड दैट इज हाउ यू डू इट। मतलब आई नो डायमेंशनैलिटी बढ़ रहा है, बट दिस इज द ओनली वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करेंगे जिसको बोला जाता है डमी वेरिएबल ट्रैप। अब डमी वेरिएबल ट्रैप क्या होता है कि जनरली होता क्या है कि जब भी आप वन हॉट इनकोडिंग करते हो, जैसे आपने यहाँ पे किया, तो वन हॉट इनकोडिंग करने के बाद हमेशा आपको क्या करना होता है कि आप, जैसे आपके पास तीन कैटेगरीज थी तो आपके तीन कॉलम्स बने, आप उन तीन में से कोई एक कॉलम को हटा देते हो, जनरली वो पहला कॉलम ही हटता है, जनरली स्पीकिंग। आप दूसरा भी हटा सकते हो, लास्ट वाला भी हटा सकते हो, बट आपको एक कॉलम हटाना है। मतलब अगर आपके पास एन कैटेगरीज है तो आपके एन कॉलम्स बनेंगे, फिर आप उसमें से एक कॉलम हटा के ही अपने पास रखोगे, N-1 कॉलम्स अपने पास रखोगे। दैट इज हाउ यू डू इट। नाउ ये थोड़ा वियर्ड लगता है, मतलब मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मेरे को वियर्ड लग रहा था कि एक कॉलम क्यों हटाया जा रहा है। द आंसर इज, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो हमने अभी तक नहीं देखा है, इसको बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी अभी हमने ठीक से पढ़ा नहीं है, और मैंने प्लान किया है कि आगे मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपको एक रफ आइडिया दे सकता हूँ। मल्टी कोलिनियरिटी होता है कि आपके जो इनपुट कॉलम्स हैं, जैसे यहाँ पर कलर वाई, कलर बी और कलर आर, ये तीनों आपके इनपुट कॉलम्स हैं, इनके बीच में क्या कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, राइट? अगर है तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मशीन लर्निंग में आपके जो इनपुट कॉलम्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इसीलिए आप उसको इंडिपेंडेंट कॉलम्स बोलते हो, और वाई को डिपेंडेंट कॉलम बोलते हो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कॉलम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मशीन लर्निंग में इट्स अ जनरल विजडम कि आपके जो कॉलम्स इनपुट में हैं उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर आपको इमिडिएटली एक रिलेशनशिप दिखाई देगा कि अगर आप इन तीनों को ऐड करो किसी भी रो में, सम जो है वो हमेशा 1 आ रहा है। और ये जो चीज है ये काफी परेशान करती है अगर आप लीनियर मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे होते हो। लीनियर मॉडल मतलब, आगे आप पढ़ोगे, लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मैं जब इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको मल्टी कोलिनैरिटी से क्या प्रॉब्लम होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी के लिए बस आप ऐसे समझ लो कि यू कैन नॉट लेट योर इनपुट कॉलम्स टू हैव अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करते हो कि आप एक कॉलम पूरा का पूरा हटा देते हो। अगर आप पूरा का पूरा कॉलम ही हटा दोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, फिर हम तीनों कलर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मतलब अगर येलो था 100, ब्लू था 010 और रेड था 001। अब अगर मैं ये वाला कॉलम ही हटा दूं, पहला वाला, तो हाउ वुड आई बी एबल टू रिप्रेजेंट दीज थ्री कैटेगरीज? द आंसर इज बहुत सिंपल है, ये क्लियरली समझ में आ रहा है। अब ये बाय द वे ब्लू का कॉलम है और ये रेड का कॉलम है, तो आप ब्लू और रेड को तो रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, बस येलो में प्रॉब्लम हो रहा है। येलो में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर दोनों ही जीरो है, मतलब ब्लू भी जीरो है और आर भी जीरो है, रेड भी जीरो है, तो इसका मतलब येलो है। तो एनीवेज आपको जरूरत नहीं था उतने कॉलम्स का। तो मशीन लर्निंग में जब भी आप वन हॉट इनकोडिंग लगाते हो तो आपके पास अगर एन कैटेगरीज हैं तो आप एन में N-1 कॉलम्स ही रखते हो। N-1 कॉलम्स को यूज करके आप एन कैटेगरीज आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप ये नहीं करोगे तो मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम आता है। और बाय द वे एक और चीज, ये जो कॉलम्स बनते हैं इनको हम डमी वेरिएबल बोलते हैं। तो डमी वेरिएबल के बनने से मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डमी वेरिएबल ट्रैप। तो उससे बचने का तरीका बस ये है कि आप पहला कॉलम को हटा दो, बस आपको यही कॉन्सेप्ट बताना था। मल्टी कोलिनियरिटी हम लोग बहुत डिटेल में एक वीडियो में पढ़ेंगे, सो इस पॉइंट पे ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन और जो आपके दिमाग में आया था उसके ऊपर फोकस करते हैं कि व्हाट इफ मेरे पास मान लो एक डेटा सेट है, मान लो यही डेटा सेट है, ये डेटा सेट है मेरे पास, कार्स का डेटा है और
सेकेंड हैंड कार्स का डेटा है और कितने में बिकेगा ये प्रिडिक्ट करना है। अब यहाँ पे एक ब्रांड बोल के कॉलम है। अब ब्रांड जो कॉलम है ऑब्वियसली ये नॉमिनल कैटेगोरिकल डेटा है, ब्रांड्स के बीच में आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो एक ब्रांड दूसरे से ज्यादा है, मतलब होता है रियल वर्ल्ड में होता है, मशीन लर्निंग में आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो ब्रांड जो अपना यहाँ पर है दैट इज अ नॉमिनल कैटेगोरिकल डेटा, राइट। अब ब्रांड में मैं आपको दिखाऊंगा, हम जो डेटा सेट पे काम करेंगे उसमें अराउंड 40 डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मतलब देर आर 40 कैटेगरीज। इसका मतलब अगर मैं इसके ऊपर OHE लगाऊं, वन हॉट इनकोडिंग लगाऊं, तो हर ब्रांड का एक कॉलम बन जाएगा, मारुति सुजुकी का एक, ह्यूंडई का एक, आपका और जो भी कार ब्रांड्स हैं उन सबका एक एक कॉलम बन जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका जो डेटा का डायमेंशनैलिटी है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, वो बहुत बढ़ जाएगा और प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा। तो इस तरह के सिनेरियोज में आपको क्या करना चाहिए कि आपके जो सबसे फ्रीक्वेंट कैटेगरीज हैं, जितनी भी सबसे फ्रीक्वेंट कैटेगरीज हैं, आप बस उनको रखते हो और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको आप एक कंप्लीटली नई कैटेगरी में ट्रांसफॉर्म कर देते हो, लेट्स से अदर्स बोल के। मान लो मारुति सुजुकी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, उसमें बहुत सारी कार्स हैं, ह्यूंडई में बहुत सारी कार्स हैं, बट मान लो कि लैंड रोवर में बहुत कम कार्स हैं, राइट। आपका जो भी बहुत कॉस्टली ब्रांड्स है उसमें बहुत कम कार्स हैं, तो आप उन सारे कॉस्टली ब्रांड्स को मिला करके एक नया कैटेगरी क्रिएट कर देते हो अदर बोल करके, और अब आप सिर्फ 10 कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहे हो इंस्टेड ऑफ 40 कैटेगरीज। तो दैट इज हाउ यू रिड्यूस द डायमेंशनैलिटी ऑफ योर डेटा सेट और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट ऑब्वियसली इसमें अजम्पशन ये है कि कुछ कैटेगरीज बहुत ज्यादा आ रही हैं और कुछ कैटेगरीज बहुत कम आ रही हैं, तब आप ये वाला अप्रोच यूज कर सकते हो। मैं जो आपको डेटा सेट दिखाऊंगा आज, उसमें ये अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें डिस्कस करनी थी वन हॉट इनकोडिंग में, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है और बहुत सिंपल तरीके से होता है। अब हम एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं उसी डेटा सेट के ऊपर, मैंने यहाँ पे ले लिया है। मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि वन हॉट इनकोडिंग कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ब्रांड के ऊपर आप कैसे टॉप फ्रीक्वेंट कैटेगरीज वाला लॉजिक लगा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, डेटा सेट मैंने इंपोर्ट कर लिया, ब्रांड है मेरे पास, कितना किलोमीटर चला है गाड़ी, फ्यूल टाइप क्या है, यहाँ पे चार फ्यूल टाइप है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, और भी कुछ है मेरे को याद नहीं है। कितना ओनर पुराना गाड़ी है, मतलब फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर है, टेस्ट ड्राइव गाड़ी है, और फाइनली उसका सेलिंग प्राइस कितना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको जल्दी से दिखाऊं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, तो आप देखोगे कि सबसे पहले तो डीएफ का ब्रांड डॉट वैल्यू काउंट्स, यू कैन सी यहाँ पे खूब सारे ब्रांड्स हैं। अब मैंने काउंट अभी नहीं किया, बट यू कैन सी कुछ ब्रांड्स बहुत ज्यादा गाड़ियों, मतलब कुछ ब्रांड्स में बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, और फिर देर आर सर्टेन ब्रांड्स जहां पे बहुत कम गाड़ियां हैं। तो ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आपको काउंट करके बताऊं तो हम यहाँ पे चला सकते हैं एन यूनिक, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे पास टोटल 32 डिफरेंट ब्रांड्स हैं, 40 मैंने गलत बोला था। अब जल्दी से देख लेते हैं फ्यूल कॉलम का क्या हाल है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फ्यूल, और यहाँ पे हम जल्दी से करते हैं वैल्यू काउंट्स, सो यू कैन सी चार अलग अलग फ्यूल टाइप्स हैं, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी। अब यहाँ पे भी दो कैटेगरीज बहुत ज्यादा है, दो कैटेगरीज बहुत कम है, बट अभी मैं वो कंसिडर नहीं कर रहा। और नेक्स्ट इज ओनर, सो अगर हम ओनर का बात करें तो पांच अलग अलग कैटेगरीज हैं, फर्स्ट ओनर, सेकेंड ओनर, थर्ड ओनर, फोर्थ एंड अबव ओनर, एंड टेस्ट ड्राइव कार, पांच कैटेगरीज हैं। बाकी जो दो हमारे कॉलम्स हैं ये न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, इनसे अभी हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप वन हॉट इनकोडिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग पैंडाज इटसेल्फ। पैंडाज में भी एक फंक्शन होता है जिसको यूज करके आप वन हॉट इनकोडिंग कर सकते हो, उस फंक्शन का नाम होता है गेट डमीज, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस ये कोड लिखना होता है पीडी डॉट गेट डमीज, ठीक है, पीडी डॉट गेट डमीज। यहाँ पे आपको बताना होता है आपका डेटा फ्रेम का नाम और उन कॉलम्स का लिस्ट जिनके ऊपर आप
वन हॉट एनकोडिंग लगाना चाहते हो. सो कायदे से तो यहाँ पे तीन कॉलम्स हैं, ब्रांड, फ्यूल और ओनर, बट मैं ब्रांड के ऊपर अभी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ब्रांड के ऊपर लगाऊंगा तो बहुत सारे कॉलम्स बन जाएंगे, वो मैं लास्ट में आपको करके दिखाऊंगा. फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ दो ही कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं, फ्यूल एंड ओनर. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट पास फ्यूल एंड ओनर. ठीक है, अब ध्यान देना गाइस, हमारे पास अभी जो डायमेंशनैलिटी है हमारे डेटा का, दैट इज 5, 5 कॉलम्स है मेरे पास. अब होगा क्या कि ये फ्यूल वाला कॉलम हट जाएगा और इसके बदले 4 कॉलम्स आ जाएंगे, तो 5 में से एक हटा 4 और 4 नए कॉलम्स आ गए, मतलब 8 कॉलम्स हो जाएंगे. फिर ओनर हट जाएगा तो 7 कॉलम हो जाएंगे और ओनर के बदले 5 कॉलम आ जाएंगे, तो मतलब जब ये ऑपरेशन हम रन करेंगे तो हमारे पास जो नया डेटा फ्रेम आएगा उसमें 12 कॉलम्स होंगे. राइट, सो एक बार ट्राई करते हैं, चेक करते हैं ये सही बात है कि नहीं. सो मैंने इसको रन किया और यहां पर आप नोटिस करो कि हमारे पास 12 कॉलम्स हैं. और अब हमारा डेटा देखो, ब्रांड, किलोमीटर ड्रिवन, सेलिंग प्राइस जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो पहले आ गया. उसके बाद यहां पे देखो, ये है मेरे 4 कॉलम्स फ्यूल वाले, 4 कैटेगरीज थी, तो सीएनजी का एक आ गया. देखो नेमिंग कैसे हो रहा है, कॉलम का नाम अंडरस्कोर कैटेगरी का नाम, कॉलम का नाम अंडरस्कोर कैटेगरी का नाम. ठीक है, सो ये हो गए मेरे 4 कॉलम्स फ्यूल वाले. और इसके बाद जो मेरे अगले 5 कॉलम्स हैं वो हैं ओनर वाले. सी राइट, एंड दैट इज हाउ यू डू वन हॉट एनकोडिंग यूजिंग पैंडास, गेट डमीज आप यूज करते हो. अब यहाँ पे हमने मल्टी कोलिनियरिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, आपने पहला कॉलम रिमूव नहीं किया. अगर आपको करना होगा तो आप क्या करोगे, आप सेम कोड को कॉपी करोगे. देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है K-1 एनकोडिंग, K-1 क्यों, K कैटेगरीज हैं तो K-1 कॉलम्स बनेंगे. सो मैं यहाँ पे बस एक पैरामीटर होता है ड्रॉप फर्स्ट बोल के, उसको हम ट्रू सेट कर देंगे. और जैसे हम ये सेट करेंगे ट्रू, हमारे पास जो अब आएगा वो 10 कॉलम्स आएगा, क्योंकि दोनों कैटेगरीज से एक एक कैटेगरी कम हो गई. तो अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो फ्यूल डीजल है, एलपीजी है और पेट्रोल है, सीएनजी हट गया. ये देखो सीएनजी हट गया. और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, फोर्थ है, सेकंड है, टेस्ट कार है और थर्ड ओनर है, आई गेस आपका फर्स्ट ओनर हट गया. देखो फर्स्ट ओनर अपने आप हट गया, जो पहला कॉलम होता है वो हट जाता है. ठीक है, देखो फ्यूल सीएनजी हट गया पहला कॉलम और ओनर फर्स्ट ओनर हट गया. ठीक है, तो दैट इज हाउ यू implement one hot encoding using pandas. अब बस इसमें एक प्रॉब्लम होता है, आप जनरली डेटा एनालिसिस करते टाइम pandas यूज करते हो, गेट डमीज यूज करते हो, बट आप मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट करते टाइम ये pandas के थ्रू नहीं करते. उसका रीजन क्या है कि pandas ये याद नहीं रखता कि उसने कौन से कॉलम को कौन से पोजिशन पे रखा. बेसिकली आप दोबारा करोगे तो कुछ और रिजल्ट आ सकता है, तो वो रिमेंबर नहीं करता. तो हम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. तो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए व्हाट वी डू इज हम scikit-learn का एक क्लास यूज करते हैं, वन हॉट एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडर क्लास, वो हर चीज याद रखता है. तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं सेम चीज यूजिंग scikit-learn. ठीक है, तो scikit-learn में करने के लिए सबसे पहले हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हमारा डेटा स्प्लिट कर देंगे. सो मैं पहले 4 कॉलम्स दे रहा हूं इनपुट में और लास्ट का कॉलम जो सेलिंग प्राइस है वो मैं दे रहा हूँ आउटपुट में. बाय द वे ये जो भी मैंने किया ये परमानेंट चेंजेस नहीं है. अभी भी इस पॉइंट पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा डेटा फ्रेम बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा ऊपर दिखाई दे रहा था. ठीक, कोई चेंजेस नहीं हुए. तो वही मैंने 0 से 4 मतलब ये इतने कॉलम्स इनपुट में दे दिए और -1 मतलब ये कॉलम आउटपुट में दे दिया. और इस कोड को जैसे ही मैंने रन किया तो अब मेरे पास एक्सट्रेन जो है वो ये है, दिस इज माय एक्सट्रेन. ठीक है, और जो मेरा एक्स टेस्ट है वो ये है. यू कैन सी बस इनपुट वाले कॉलम्स है मेरे पास. ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको प्री प्रोसेसिंग से वन हॉट एनकोडर क्लास को इंपोर्ट करना होता है. ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, मैं यहाँ पे कुछ सेल्स ऐड कर रहा हूं, आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, OHE इज इक्वल टू वन हॉट एनकोडर, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया. अब आप क्या करते हो कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा काम है. टेढ़ा काम क्यों है, क्योंकि
यहाँ पे आपके सारे कॉलम्स के ऊपर आप वन हॉट इनकोडिंग नहीं लगाने वाले, तो मतलब आप ब्रांड पे नहीं लगाओगे, किलोमीटर ड्रिवन पे नहीं लगाओगे, आप बस फ्यूल और ओनर पे लगा रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि फ्यूल और ओनर अलग से आपको निकाल करके इसके ऊपर आपको वन हॉट इनकोडिंग लगाना पड़ता है, और फिर आपको इन दोनों से जोड़ना पड़ता है वापस जाके, तब जाके आपके पास कंप्लीट इनपुट आता है। अब ऑब्वियसली ये डिफिकल्ट है और प्रॉब्लमैटिक है, तो इसका एक सॉल्यूशन होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मर, वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर आप उसमें क्या करोगे, एक सिंगल लाइन में कोड लिख करके किसी कॉलम के ऊपर कोई और ट्रांसफॉर्मर लगा सकते हो, किसी दूसरे कॉलम के ऊपर कोई और ट्रांसफॉर्मर लगा सकते हो, और आपको आपका रिजल्ट एक लाइन में मिल जाएगा। बट अभी अनफॉर्चुनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के ऊपर हम पहले वन हॉट एनकोडिंग लगाएंगे और फिर इन दोनों के साथ उसको दोबारा ज्वाइन करेंगे, तब जाके मुझे अपना एक्स ट्रेन मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा काम है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है OHE.fit ट्रांसफॉर्म। मैं फिट और ट्रांसफॉर्म एक ही लाइन में कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ एक्स ट्रेन के अंदर दो कॉलम्स, फ्यूल और ओनर। ठीक है, और इस कोड को मैं जैसे ही रन करूंगा तो होता क्या है कि वन हॉट एनकोडर जो होता है ये बाय डिफॉल्ट एक स्पार्स मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है। अगर आपको उसको, जैसे अगर मैं इसको रन करूं तो देखो यहाँ लिखा रहा है स्पार्स मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें 9 कॉलम्स है। ऑब्वियसली 9 कॉलम्स आएंगे, 4 फ्यूल से और 5 ओनर से। अगर आपको उसको देखना है तो आप इसको लिख सकते हो एज दिस, एंड यू कैन सी ये मेरे पास एक नंपाई एरे है जिसमें देर आर 9 कॉलम्स और रोज को जितने चल रहे हैं उतने ही है। ठीक है, तो इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ एक्स ट्रेन न्यू बोल के। ठीक है, और सिमिलरली मैं क्या करूंगा, एक्स टेस्ट न्यू इज इक्वल टू वन हॉट एनकोडिंग डॉट ट्रांसफॉर्म, और यहां पे मैं पास कर दूंगा एक्स टेस्ट, और एक्स टेस्ट के अंदर वही दो कॉलम्स फ्यूल और ओनर। ठीक है, और इसको भी मैं टू एरे में कन्वर्ट कर दूंगा, और मैंने ट्रेन और टेस्ट दोनों को कन्वर्ट कर दिया। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मेरा एक्स ट्रेन है, ये जो एक्स ट्रेन है इसमें से इन दोनों कॉलम को निकालना है, और यहां पे ये जो एरे मुझे मिला, यहां पे ये जो एरे मुझे मिला एक्स ट्रेन न्यू, इसके साथ अपेंड करना है, ये काम मुझे करना है। तो यहाँ पे 9 अपने पास कॉलम्स हैं और मुझे ये 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कोड लिखूंगा, ध्यान से देखना, सिंपल एक्चुअली। व्हाट आई विल डू इज आई वुड राइट एक्स ट्रेन के अंदर से आई विल फेच द फर्स्ट 2 कॉलम्स, ब्रांड कॉमा किलोमीटर ड्रिवन। ठीक है, ये दोनों कॉलम्स मैंने निकाल लिए, और इसके ऊपर मैं डॉट वैल्यूज अप्लाई करूंगा, तो ये मुझे नंपाई एरे मिल गया। अब ऑब्वियसली मुझे ये ब्रांड को पहले कैटेग मतलब वन नॉट एनकोडिंग करना था, बट अभी मैं आपको नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद कब को करके दिखाऊंगा। अभी मान लो कि ये ह्यूंडई एक नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये एक नंपाई एरे है, ये भी एक नंपाई एरे है, मुझे इन दोनों को हॉरिजॉन्टली स्टैक करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कोड लिखूंगा एनपी डॉट एक्स स्टैक, और यहां पर एक टपल के अंदर आई विल पास दिस कोड, एंड यू कैन सी अब अगर मैं इसका शेप निकालूं तो दिस इज 6520211। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज और जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे क्या हुआ कि आपकी जितनी कैटेगरीज थी उतने ही कॉलम्स बने, बट अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप पहला वाला कैटेगरी को हटा सकते हो, ड्रॉप थ्रू कर सकते हो, जो आपका फर्स्ट कॉलम को आप हटाते हो मल्टी कोलिनियर कोलिनियरिटी को हटाने के लिए, वो आप कर सकते हो। इसको रन किया, इसको भी रन किया, ये रहा डॉक्यूमेंटेशन बाय द वे, और यहाँ पे ड्रॉप पैरामीटर है, हमने यहाँ पे ड्रॉप ही लिखा। मैं काम करता हूँ, व्हाट आई विल डू इज आई क्विकली रन द कोड वन मोर टाइम, बिकॉज काफी चेंजेस किए हमने, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो। यहाँ तक सब ठीक है। वन हॉट इनकोडिंग के पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लिया, और उसके बाद
हम यहाँ पे आए, यहाँ पे ड्रॉप हमने ट्रू किया और अब हमने एक्स ट्रेन न्यू बनाया। देर इज सम एरर। उसका रीजन ये है कि आपका ड्रॉप का इनपुट या तो फर्स्ट होता है या तो इफ बाइनरी होता है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट देंगे। और फर्स्ट देने से क्या होगा कि दोनों ही कैटेगरीज का, दोनों ही कॉलम्स का फर्स्ट कैटेगरी हट जाएगा। सो इसको मैं रन कर रहा हूँ और इसको भी मैं रन कर रहा हूँ। और अब अगर मैं एक्सट्रीम न्यू दिखाऊं तो इसका शेप बस 7 है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब हम फिर से क्या करेंगे, सेम स्टैकिंग करेंगे और अब मेरे पास 9 कॉलम्स है। ठीक है, तो ये चीज थी। एक लास्ट चीज और आपको दिखानी है। यहाँ पर एक और पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पार्स इक्वल टू ट्रू। सो अगर आप ये स्पार्स ट्रू रखते हो तो स्पार्स एरे बनता है, स्पार्स मैट्रिक्स बनता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 2 एरे करना पड़ा। अगर आप यहाँ पे स्पार्स इक्वल्स फॉल्स कर दो तो फिर आपको ये 2 एरे करने का जरूरत नहीं है, फिर आपके पास ये सिंपल नंपाई एरे आएगा और आप सेम काम कर पाओगे विदाउट डूइंग दैट एक्स्ट्रा स्टेप। लाइक दिस सब कुछ सेम है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और है, आप डेटा टाइप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अभी जो आपका ये बना होगा एरे, इसमें आपके पास ये सब कुछ फ्लोट में है, तो आप जा करके ऊपर यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो डी टाइप इक्वल्स एनपी डॉट इंटीजर 32। इससे क्या होगा कि आपके जो कैटेगरीज बनेंगी वो इंटीजर बन जाएंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर इतनी ही चीज है। ओके, अब एक लास्ट चीज हम करने वाले हैं और वो है कि ब्रांड वाला जो हमारा कॉलम है जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, हम उसको एनकोड करेंगे। अब उसमें एनकोड करने का लॉजिक क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ब्रांड के ऊपर वैल्यू काउंट्स लगाऊं तो ये रहा हर कैटेगरी के अंदर कितनी कार्स हैं। मैं एक थ्रेशोल्ड ले रहा हूँ, थ्रेशोल्ड है 100। सो 100 के नीचे जिन कैटेगरीज में 100 से नीचे कार हैं, मैं उनको क्लब करके अदर कैटेगरी बना रहा हूँ और बाकी सबको मैं इंडिविजुअल कैटेगरी ले रहा हूँ। मतलब ये स्कोडा तक कैटेगरी बनेगी, बट ये निसान, जगुआर, वॉल्वो, डैटसन, ये सब अपनी अलग कैटेगरीज नहीं रहेंगी, इनको मैं क्लब करके अदर बना दूंगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट स्टोर दिस सीरीज इन अ वेरिएबल कॉल्ड काउंट्स। ठीक है, और मैं थ्रेशोल्ड बोल के एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका वैल्यू मैंने अभी 100 कर दिया, और यहाँ पे मैं ये लॉजिक लगा रहा हूँ कि काउंट लेस देन थ्रेशोल्ड डॉट इंडेक्स। बेसिकली मैं उन कैटेगरीज का नाम निकाल रहा हूँ जिसमें थ्रेशोल्ड से कम कार्स हैं, 100 से कम कार्स हैं, निसान, जगुआर, वॉल्वो। ठीक है, और उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ रिप्लेस। ठीक है, और यहाँ पे बस मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ, पैंडास डॉट गेट डमीज में आई एम जस्ट पासिंग दिस पर्टिकुलर कॉलम, और कॉलम्स में नहीं भेज रहा, सिर्फ ये पर्टिकुलर कॉलम भेज रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसमें जहां भी आपका रिप्लेस आएगा, रिप्लेस मतलब वो ब्रांड्स जिसमें 100 से कम गाड़ियां हैं, उस ब्रांड को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ अनकॉमन से। ठीक है, और अब मैं उसके ऊपर गेट डमीज लगा रहा हूँ और ये रहा गाइज मेरा आउटपुट। यू कैन सी बीएमडब्ल्यू, शेवले, फोर्ड, होंडा, ह्यूंडई, महिंद्रा, मारुति, रेनो, स्कोडा, टाटा, टोयोटा और वोल्क्सवैगन, ये वो कैटेगरीज है जिनमें सच में 100 से ज्यादा कार्स हैं। और फिर मेरे पास एक अनकॉमन बोल के कैटेगरी है जिसमें 100 से कम कार्स आती हैं। सो जो भी रो, जैसे यहां पर कोई भी रो ऐसा दिख नहीं रहा है, अगर मैं सैंपल लू 5 का, अनकॉमन में कोई भी नहीं आ रहा क्योंकि अनकॉमन में सच में बहुत कम कार्स हैं, बट कोई एक कार ऐसी होगी जहां पे यहाँ पे 1 आएगा, तो वो एक ऐसे ब्रांड में आएगी जिसमें 100 से कम कार। हाँ, जैसे कि ये वाली कार है, ये 5335 वाला जो रो है, ये एक्चुअली एक ऐसे ब्रांड का है जिसमें 100 से कम गाड़ियां। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू डू व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ कैटेगरीज इन योर कैटेगोरिकल कॉलम। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज आपको दिखानी थी, आप ये पूरी चीज ट्राई करो। इस चीज का असली मजा आपको तब आएगा जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे, फिर आपको ये जबरदस्ती का जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे ये एच स्टैक वगैरह किया है, ये आपको नहीं करना पड़ता। आप एक सिंगल कोड में अलग अलग कॉलम्स के ऊपर अलग अलग ट्रांसफॉर्मर्स लगाओगे और आप एक ही बार में अपना पूरा का पूरा
पाइपलाइन डिफाइन कर पाओगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, आपको हर प्रोजेक्ट में करना ही पड़ता है, सो प्लीज मेक श्योर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।